गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो SFB और BMD अपन पढ़ रहे थे। SFB BMD में तीन चार टाइप के न्यूमेरिकल मैंने आपको करवा दिए थे। अभी तक अपनी कंसंट्रेटेड लोड UDL के किसी में हैं। अभी अपन करेंगे UVL। UVL का मतलब यूनिफॉर्मली करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर इस केस को अपन सोल्व करेंगे तो इस केस को सोल्व करने का तरीका क्या होगा। आप जब भी कोई भी SFD BMD की प्रॉब्लम करते हो तो सबसे पहले आप रिएक्शन फोर्स निकालते हो। तो ये अगर आपका RB तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप रिएक्शन फोर्स निकालोगे। रिएक्शन फोर्स निकालने के बाद आप सबसे पहले शियर फोर्स निकालते हो, एक कोई भी सेक्शन ले लेते हो, उसके बाद आप बेंडिंग मोमेंट निकालते हो, और शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दोनों निकाल के आप डायग्राम बना लेते हो SFD का और BMD का। ठीक है, तो सबसे पहले अपन शियर फोर्स निकालने की कोशिश करते हो। हाँ, ये जो केस है, पहले अपने पास जो उससे पहले अपने प्रॉब्लम की थी उसमें आपने देखा होगा कि UDL के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड था, तो जितना भी था उसको अपन लेंथ से मल्टीप्लाई करके उसके सेंटर में अपन अप्लाई कर देते थे। लेकिन अब की बार आपको देखना होगा ये यूनिफॉर्मली वेरी हो रहा है। अगर ये यूनिफॉर्मली वेरी हो रहा है इसका मतलब इसका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, है ना। हाँ, वहाँ पे यहाँ से लेके कहीं 2L/3 पे, क्योंकि मास जिधर ज़्यादा होता है उधर ही उसका सेंटर ऑफ मास होता है। तो ये 2L/3 पे कहीं इसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, रिएक्शन फोर्स निकालने की कोशिश करता हूँ। बच्चों देखिए, रिएक्शन फोर्स कैसे निकालेंगे, मतलब ये टोटल कितना है। अब ये यूनिफॉर्मली तो है नहीं, तो अगर इस ट्राइंगल का जितना एरिया होगा उतनी ही क्या होगी बच्चों, लोडिंग होगी। तो इसका एरिया कितना होगा, 1/2 W। ठीक है, तो ये आपका क्या है, रिएक्शन जब आर प्लस आर बी है। अब आप किसी, अगर ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है, तो वो भी तरीका है सिग्मा एम ए इक्वल्स टू जीरो। ए के अबाउट आप मोमेंट क्या करते हो, जीरो कर दो। ए के अबाउट अगर मोमेंट जीरो करो तो बच्चों का कितना होगा, आर बी कितना हो जाएगा, एल। बताओ, आर बी इंटू एल हो जाएगा। और उसके अलावा अगर दोनों में निकालने की कोशिश करूँगा कितना आएगा, आर बी स्क्वायर। और इस जो ये पूरा मैच का एरिया कितना है, 1/2 W। इतनी तो लोडिंग और यहाँ इतना ही काम पड़ेगी, 2L/3। क्या इसके अलावा और कोई भी लोड लग रहा है। अपन ए के अमाउंट निकाल रहे थे, ए के अमाउंट को जीरो दे रहा हूँ मैं, तो बी का होगा और इस लोडिंग का होगा। ये बी के ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, लोडिंग क्लॉक वाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से अपन आर बी आपके पास आई WL/3। अब आर ए के लिए जानने की कोशिश करते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स है। आर ए की अगर वैल्यू निकालोगे तो आर ए की वैल्यू कितनी आएगी, WL/6।
तो आर बी और आर ए की वैल्यू आ गई। इसके बाद जो अपन करते हैं शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालने का काम। तो अगर आपको शियर फोर्स निकालना है तो शियर फोर्स निकालने के लिए आपको पता है आपको लेना पड़ता है कोई ना कोई सेक्शन। जैसे आपको शियर फोर्स निकालना है जिसमें आपने सेक्शन ले लिया कहीं कहीं यहाँ पे एक्स एक्स। तो बच्चों ये जो एक्स एक्स है एक्स कहाँ से ले बताओ ए से ले लेते। तो अगर आप देखोगे ये कोई सेक्शन होगा आपके पास ये आपने क्या लिया है एक्स। तो बच्चों आपको ध्यान रखना होगा एक अब ये कोई लेंथ मान लो थ्री होगी वाई होगी और ये कितनी है एक्स। क्योंकि पहले जब आप केस लेते थे तो आपको वाई का कोई भी लफड़ा नहीं होता था क्योंकि ये वाई यूनिफॉर्म रहती थी लेकिन अब ये वाई की इंक्रीज हो रही है। तो अगर आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा एट नाइन टेंथ में कि अगर आप वाई बाई एक्स करते हो इस लेंथ के अबाउट इस लेंथ के अबाउट ये लेंथ तो ये बड़ी वाली लेंथ है वो वही है। तो यहाँ से आप वाई की वैल्यू निकाल सकते हो डब्ल्यू एक्स वाई मतलब ये जो यहाँ पे जो इस लोडिंग की वैल्यू होगी इस एक्स के रिस्पेक्ट में कितनी होगी डब्ल्यू एक्स वाई की होगी। क्योंकि ये जो डब्ल्यू वाई है वो पूरा है और ये इसका इतना पार्ट होगी जिस जिससे एक्स बढ़ेगी आपकी वाई की वैल्यू भी बच्चों क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है तो वाई प्लस टू डब्ल्यू एक्स वाई है। इसके बाद देखिए अब आई अब अपन शियर फोर्स की वैल्यू निकाल देते हैं। सबसे पहले करते हैं एस एक्स देखते हैं शियर फोर्स इन ए बी एक्स फ्रॉम ए। अगर एक्स फ्रॉम ए करते हैं बच्चों तो सबसे पहले आर ए तो की तरफ नहीं जाएगी और अगर अपन दूसरे की बात करें तो कितना होगा क्योंकि जितना एरिया है तो शियर फोर्स में तो आपको मोमेंट तो निकालना है नहीं कि लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़े जितनी लोडिंग होगी तो लोडिंग के केस में देखो अब इसका जितना एरिया होगा इसका एरिया होगा वन बाई टू इंटू एक्स इंटू ये वाई कितना डब्ल्यू एक्स का है। ठीक है तो ये क्या आ जाएगी एस एक्स आ जाएगी। तो एस एक्स देखो कि आर एक्स कितना है और ये कितना हो जाएगा। ठीक है बच्चों तो अब देखिए अगर ए की बात करते हैं तो ए की बात करो तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी जीरो पॉइंट जीरो पुट कर लेंगे तो डब्ल्यू एल बाई सिक्स। और अगर बी पे बात करो तो बी पे देखो कितनी होगी बी पे देखनी है तो एक्स प्लस टू कितना करना पड़ेगा एल करना पड़ेगा और डब्ल्यू एल बाई सिक्स माइनस वन बाई टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एल से एल से तो डब्ल्यू एल बाई सिक्स माइनस डब्ल्यू एल बाई टू। तो देखो एस बी कितना आएगा अगर एस बी आपको निकालना है तो एस बी आ जाएगा माइनस डब्ल्यू एल बाई सिक्स। ठीक है बच्चों देख लो क्योंकि डब्ल्यू एल बाई सिक्स में से डब्ल्यू एल बाई ये एस ही ले लो सिक्स है ना तो सिक्स आएगा तो माइनस माइनस डब्ल्यू एल बाई थ्री आ जाएगा। ठीक है तो आपने शियर फोर्स निकाल लिया ए पे और बी पे। जैसे ही एक शियर फोर्स पॉजिटिव आता है दूसरा नेगेटिव आता है इसका मतलब भी बच्चों ये है कि कहीं ना कहीं जीरो है साइन आपका क्या हो रहा है चेंज हो रहा है ना। और आपको पता होगा ये लोडिंग कैसी है यूवीएल है ये लोडिंग यूवीएल है तो अभी भी सेंटर पे नहीं होगा तो आपको वैल्यू निकालनी होगी। तो आपको पता नहीं कि अभी वो जीरो कहाँ पे है इसलिए आप क्या करो फोर एस एक्स इक्वल टू जीरो शियर फोर्स कहाँ पे जीरो है वो वैल्यू यहाँ से एक्स की आ जाएगी। तो ये एस एक्स है ना आपके पास इसकी वैल्यू अगर जीरो करोगे तो डब्ल्यू एल बाई सिक्स इक्वल टू वन बाई टू डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई एक्स। ठीक है तो डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल थ्री और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया एल बाई थ्री और एक्स इक्वल टू आ गया सॉरी एल स्क्वायर वन एल स्क्वायर बाई टू एल बाई। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास एल बाई रूट थ्री। तो ये आपके पास वैल्यू आई एक्स की। अगर आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई इसका मतलब यहाँ पे आपका शियर फोर्स जीरो है तो आप इजीली कोई भी डायग्राम बना सकते हो बच्चों। अगर शियर फोर्स का मैं डायग्राम आपकी बात करूँ शियर फोर्स की वैल्यू निकालने की डायग्राम की तो ए के ऊपर वैल्यू कितनी है डबल ट्वेल्व बाई सिक्स तो भैया ए के ऊपर डबल ट्वेल्व बाई सिक्स और बी के ऊपर कितनी माइनस ट्वेल्व बाई थ्री तो ये डबल ट्वेल्व बाई सिक्स कम होगा और डबल ट्वेल्व बाई थ्री ज़्यादा होगा। ठीक है और इसके बाद कहीं पे आके आपकी वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे साइन एल बाई रूट थ्री पे ये एल बाई रूट थ्री पे कितनी है जीरो है और इसके बाद अगर आप वैल्यू चेंज करोगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी। तो ऐसे आप इजीली क्या बना सकते हो शियर फोर्स डायग्राम बना सकते हो। अगर बेंडिंग मोमेंट की बात करूँ तो बिल्कुल ईजी है बेंडिंग मोमेंट सबसे पहले अपन एम एक्स करते हैं
उसके बाद आप एक एक आपके पास वन बाई टू, इसका एरिया निकाल दो, इसका एरिया कितना होगा, वन बाई टू इंटू डब्ल्यू बाई एल इंटू एक्स। और अगर शियर फोर्स की बात, बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं, तो ये कहाँ पे अप्लाई होगा, यहाँ से एक्स बाई, इसको सोल्व कर दो बच्चों, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास बेंडिंग मोमेंट, अगर ए पे बात करूँ बच्चों, ए पे बात करूँ तो एक्स कितना होगा, जीरो, एक्स सब में आ रहा है तो जीरो हो जाएगा। बी पे बात करूँ तो एक्स कितना होगा, एल होगा, एल आप बुक करोगे तो देखो एल बुक किया कितना होगा, ए की वैल्यू डब्ल्यू एल बाई कितनी है, सिक्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। तो अगर आप बी पे देखोगे x इक्वल्स टू 12 पे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। इसका मतलब एक पॉइंट और है जहाँ पे ये पॉइंट, कौन सा होगा, कोई पॉइंट सी होगा जहाँ पर, यहाँ पे ये साइन चेंज किया था, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो आप सी पे देख लो, सी कितना था, एक्स इक्वल्स टू एल बाई रूट थ्री पे आप इसकी वैल्यू निकाल के देख लो, तो एल एक्स देख लो, तो इसको बच्चों अगर सोल्व कर लोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी, वो आएगी डब्ल्यू एल स्केयर या एम सी टी डब्ल्यू एल स्केयर अपोन 9√3। ठीक है, तो ये वैल्यू बच्चों आपके पास आएगा, है ना। इसका मतलब बेंडिंग मोमेंट है वो आपके पास किसकी डिग्री का है, थर्ड डिग्री का होगा, है ना, थर्ड डिग्री का होगा। ये कोई ए है, ये कोई सी है, ये कोई बी है, है ना। जब इसको सोल्व करने की कोशिश करोगे आप, तो जो थर्ड डिग्री मतलब अब की बार क्या होगा, क्यूबिक होगा। तो क्यूबिक के केस में यहाँ पे मैक्सिमम जो होगा वो यहाँ होगा, मैक्सिमम कहाँ होगा, यहाँ होगा इससे, तो उसके बाद कितना होगा, जीरो, नीचे होगा थ्री डिग्री होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 9√3। तो ऐसे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, क्या आएगा, ये बेंडिंग मोमेंट। तो ऐसे बच्चों अपन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, यूवीएल के क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में और करेंगे, उसके अंदर अपन अब की बार यूवीएल तो होगा लेकिन स्पोर्ट होगा वो देखना कैसा होगा, केवल आप एक ही स्पोर्ट करते हो, अपन कैंटिलीवर बीम बनाएंगे, जो बीम होगा वो कैंटिलीवर होगा, उसके ऊपर यूडीएल होगा, तो देखना वो अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू, अभी के लिए।